गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन 10th इंग्लिश क्लासरूम। आई एम मिसेस वंदना गामने फ्रॉम हिंदी माध्यमिक विद्यालय नासिक, विच इज रन बाय क्रांतिवीर वसंतराव नारायण राव नाइक एजुकेशन सोसाइटी नासिक। बच्चों, हम लोग इफ यह पोएम पढ़ रहे थे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द पोएम। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम विच इज एन एडवाइस गिवन बाय अ फादर टू हिज सन, बट इट्स अ यूनिवर्सल पोएम। ईच एंड एवरी यंगस्टर इज गेटिंग द सेम काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम हिज फादर, सो इट हैज़ अ यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस। लेट्स अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दिस पोएम। इस पोएम के सारी एक्टिविटीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस टाइप की इधर की जो एक्टिविटीज है वो देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो पेज नंबर 87 पे है। व्हाट डज द पोएट कॉल पीपल हु ट्विस्ट द ट्रूथ टू सूट देम। व्हाट मतलब क्या, पोएट क्या बुलाता है ऐसे लोगों को जो ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट मतलब घुमाते हैं, ट्रूथ टू सूट देम, सच्चाई को वो घुमाते हैं। तो देखो ये आया है पेज नंबर 87 का सेकंड पार्ट जो है पोएम का। तो उसमें नीचे से तीसरी लाइन है, ट्विस्टेड बाय नेव्स। देखो, इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स। क्या पुकारता है पोएट उन ऐसे लोगों को जो झूठ को बदल देते हैं, उसको क्या कहता है, नेव्स आया है शब्द, KNAVES। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड यू रिएक्ट व्हेन समवन लाइज अबाउट यू एंड हेटेड यू। हाउ शुड यू रिएक्ट, हाउ मतलब कैसे, तुमने कैसे रिएक्ट करना चाहिए इफ समवन लाइज अबाउट यू, जब कोई आपसे झूठ बोलता है, और हेट्स यू जब आपका कोई हेट करता है, तो आपने कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अब पेज नंबर 87 का फर्स्ट पार्ट में देखो, इफ यू आर बीइंग हेटेड, बीइंग लाइड अबाउट, अगर आप लाइड हो जाते, डोंट डील इन लाइज, कभी भी झूठ के साथ डील मत करो, मतलब उसके साथ एडजस्टमेंट मत करो। झूठ का झूठ आपके आपके साथ कोई बोल रहा है तो आप भी झूठे मत बनो, डोंट डील इन लाइज, आप सच्चे ही बने रहो। एंड इफ यू आर बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, इफ समवन हेट्स यू, डोंट हेट्स अदर, आप किसी को भी हेट मत करो, आप खुद मत हेट करो। किसी ने आपका हेट किया, ओके, बट आप किसी का हेट मत करो, ओके। एंसर में नेक्स्ट है, इसमें दो ही क्वेश्चंस थे। अब इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ हम लोग चलते हैं। दिस इज द वर्कशॉप एक्टिविटीज। फर्स्ट है, देखो, रीड द फॉलोइंग बिट्स ऑफ एडवाइस एंड स्टेट वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। इसमें एडवाइस दी है और एक में एग्री है या डिसएग्री है बताना है। देखो, गेट एंग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक्स, चिढ़ जाओगे किसी ने गलती की तो, डिसएग्री। नेक्स्ट, की फ्रेंडशिप विथ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, सबके साथ दोस्ती बना, एग्री है ना, ओके। रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, ट्रबल्स तकलीफों से भाग जाओ, डिसएग्री। हेट द रिच पीपल एंड हेल्प द पुअर, अमीरों का हेट करो और पुअर लोगों की मदद करो, डिसएग्री। गेट एंग्री व्हेन अदर्स ब्लेम ऑन अस, लोग हम पर जब ब्लेम डालते हैं तो एंग्री हो जाओ, ऐसा बताया क्या, डिसएग्री। रिकंस्ट्रक्ट समथिंग वी हैव बिल्ट विथ केयर इफ इवन इफ इट हैज़ बीन ब्रोकन बाय अदर्स, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे मन से बनाई चीज़ें हैं वो किसी ने तोड़ दी, तो उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करो, सही है या गलत है, एग्री है इसके साथ। अब नेक्स्ट है नंबर टू के एक्टिव, पिक आउट एंड एनलिस्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज फ्रॉम द पोएम इन द रिस्पेक्टिव क्वालिटीज। आपको लिखने मैंने यहाँ पे चार दिए हैं कि पॉजिटिव क्वालिटीज कौन सी है और नेगेटिव क्वालिटीज कौन सी है। पॉजिटिव क्वालिटीज कौन सी है, कीप योर हेड, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, लूज योर हेड। ट्रस्ट योर सेल्फ, डाउट अदर्स अपोजिट आता है। बी ट्रूथफुल, ये क्या है, पॉजिटिव क्वालिटीज है, तो नेगेटिव क्वालिटीज क्या है, डील्स इन लाइज। पॉजिटिव क्वालिटीज है बी स्मार्ट, और नेगेटिव क्वालिटी क्या है, गिव वे टू हेटिंग, गिव वे टू हेटिंग। तो ये हम लोगों ने चार चार किया, आप और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई
डू द लाइन्स इन द पोएम बिगिन विद इफ यू कैन, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव। नंबर तीन का क्वेश्चन है, व्हाई डू द लाइन्स इन द पोएम बिगिन विद, पोएम की हर लाइन शुरू होती है किससे, इफ यू कैन इफ यू कैन इफ यू कैन से, ऐसा क्यों किया गया है। द पोएट वॉन्ट्स टू गिव द एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस, एंड ही वॉन्ट्स टू इंसिस्ट द पीस ऑफ एडवाइस। इंसिस्ट करना मतलब जोर लगा, फोर्सफुली बताना कि इफ यू विल डू दिस यू विल गेट द हैप्पीनेस, इफ यू विल डू दिस यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन बींग। ये बताने के लिए उन्होंने ये इफ यू जो है वो क्या किया है, बार बार रिपीट किया। तो आपको क्या लिखना है, टू एम्फसाइज द एडवाइस गिवन बाय द पोएट। द पोएट यूज द कंस्ट्रक्शन इफ यू कैन एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी सेंटेंस। नेक्स्ट है, लुक एट द यूज ऑफ अपोजिट रिएक्शन इन द पोएम। तो आपको सब अपोजिट लिखने हैं, तो वो आप लिख सकते हो, ऐसा सोचकर मैं वो नहीं ले रही हूँ। नेक्स्ट है, से वॉट, वॉट आर द टू इम्पोस्टर्स। टू इम्पोस्टर्स कौन से हैं, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर्स। ओके, नेक्स्ट, कैन द अनफॉरगिविंग मिनट बी मेड अप ऑफ, किससे बनेगा, 60 seconds वर्थ ऑफ द डिस्टेंस रन्स। आपको लाइन में से देखकर लिखना है। से हु इज, शुड यू ट्रस्ट व्हेन डाउटेड, किस पर आपने ट्रस्ट करना चाहिए, खुद पर, वन सेल्फ, हिमसेल्फ पे। कैन यू टॉक विथ एंड वॉक विथ, किसके, कैन यू टॉक विथ एंड वॉक विथ, किसके साथ टॉक और वॉक करना चाहिए, एनी क्लास ऑफ द पीपल, किसी से साथ भी हम लोगों ने ऑल क्लास ऑफ द पीपल लिखना है। से व्हेन, कब होगा, कैन द अर्थ बिकम yours, अर्थ आपकी कब होगी, व्हेन यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। शुड यू स्टार्ट रीबिल्डिंग विथ ओल्ड टूल्स, कब कब शुरू करोगे तुम, फिर से रीबिल्ड करोगे, व्हेन ब्रोकन लाइफ, जब आपकी जिंदगी ब्रोकन हो जाएगी। से व्हाई, व्हाई मतलब क्यों, टू नेव्स ट्विस्ट द ट्रूथ, क्यों नेव्स क्यों ट्विस्ट करते ट्रूथ को, टू ट्रैप द फूल्स, फूल्स को ट्रैप बनाने के लिए। और शुड यू कंसिडर ऑल मैन इक्वली इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने सब मेंस को इक्वली इंपॉर्टेंट क्यों करना चाहिए, ऑल क्लासेस आर सेम, बिकॉज सब पीपल क्या है, सेम है। आया समझ में। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी, नंबर सिक्स है, व्हाट शुड बी अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल ऑफ डिफरेंट स्टांजा स्टार्टा एंड क्लासेस। सब लोगों के साथ हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो जवाब क्या आएगा आपका, वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, इसमें आया है वी शुड ट्रीट एवरीवन विद इक्वल स्टेटस। नंबर सात है, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी दैट मेक्स अ मैन अ ट्रू ह्यूमन बींग। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कौन सी है कि जिसकी वजह से मैन ट्रू ह्यूमन बींग बन सकता है, तो लास्ट लाइन में देखो, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट्स विथ 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यू विल बी अ मैन। तो सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगी और तुम क्या बनोगे, मैन बनोगे। मतलब क्या, यू इफ यू विल वर्क वेरी हार्ड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड्स ऑफ योर लाइफ, यू विल बिकम अ मैन। लास्ट है, आइडेंटिफाइंग द फिगर ऑफ स्पीच एंड यूज देम दिस गिवन इन द ब्रैकेट। फिगर ऑफ स्पीच है आपको बतानी है, फर्स्ट ब्रैकेट में फिगर ऑफ स्पीच दी है। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, दो अपोजिट आइडिया साथ साथ आई है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच पहली कौन सी है, एंटीथेसिस है। सेकंड, इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई है, पर्सोनिफिकेशन आई है। क्यों पर्सोनिफिकेशन आई है, देखो ट्रायम्फ और डिजास्टर इनको इम्पोस्टर कहा गया है। इम्पोस्टर मैंने बताया, एक्सप्लेन करते हुए बताया, ये ह्यूमन बींग की क्वालिटी है, मानव की क्वालिटी है। वो किसको दी गई है, कामयाबी को, और किसको, डिजास्टर फेल्यूर को दी गई है। इसलिए ये दो क्वालिटीज क्या है, किसको, मानव की क्वालिटी, ह्यूमन बींग की क्वालिटी है, पर्सन की क्वालिटी है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट है, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, ये कौन सी है, रिपीटेशन है। रिपीटेशन कौन से वर्ड्स का है, देखो टू गुड
वाइज, टू टू शब्दों का क्या आया है, रिपीट हुआ, इसलिए थर्ड कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच, रिपीटेशन है. और लास्ट है विथ वॉर्न आउट टूल्स, अलिटरेशन है, डब्ल्यू साउंड जो है वो साउंड जो है वो रिपीट हुआ है. चारों फिगर ऑफ स्पीच समझ में आए. पहली फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, एंटीथीसिस है. सेकंड कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन है, ट्रायम्फ और डिजास्टर को ह्यूमन बींग की क्वालिटी दी गई, पर्सन की क्वालिटी दी है, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन है. फिर थर्ड जो है सी, वो क्या है, रिपीटेशन है, टू टू शब्दों का रिपीटेशन हुआ है. और लास्ट है अलिटरेशन, व साउंड रिपीट हुआ है, इसलिए वो क्या है, अलिटरेशन है. बाकी की एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है राइटिंग स्किल के लिए. और फिर उसके बाद इफ क्लॉज आया है, वो मैं आराम से पढ़ाऊंगी. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल एक्टिविटीज ऑन दिस पोएम. अभी ये सब एक्टिविटीज करेंगे और टेस्ट के लिए तैयारी है. फिर नेक्स्ट लेसन के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक धन्यवाद. थैंक यू.